तेरी दुआओं की ही बदौल अज़ाब रब से बचे हुए हैं। अल्लाह आपकी नेक जायज तमन्ना पूरी करे। तो मेरे अजीजों, मैं आपके सामने शहाब भाई की छोटी सी अपडेट बताता हूँ कि शहाब भाई जो अभी जुमा निकला है ना, तो जुमे के दिन वो नमाज के लिए जब गए थे, तो जैसे कि मेरे बीच आप देख सकते हैं, ये तो एक भाई के मकान पर ठहरे। इन भाई की तमन्ना थी कि जब से शहाब भाई आफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं, तो इन भाई की तमन्ना थी, अब्दुल नाम है शायद इन भाई का, हाँ अब्दुल नाम है, तो इनकी तमन्ना थी कि मेरे घर शहाब भाई जरूर आए। तो फाइनली जुमे के दिन शहाब भाई जब नमाज के लिए जा रहे थे, जो अभी जुमा निकला है, जुमे के दिन शहाब भाई अब्दुल भाई के घर पर रुके और उनसे दुआ के लिए कहा। और इसमें डॉक्टर जुनैद साहब ने, जो आफिया किड्स स्कूल के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी शहाब भाई का सफर शुरू होने वाला है। हम भी बताओ क्या करें, जब जैसे वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि वो तो शहाब भाई के साथ रह रहे हैं, डॉक्टर जुनैद जिनका आफिया किड्स स्कूल है, उनकी टीम वाले, अब जैसे वो बता रहे हैं वैसे ही हम आपको बता देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जैसे ही शहाब भाई निकलेंगे इंशाल्लाह ताला तुरंत आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए अच्छे अच्छे कलाम सुनते रहिए, वजीफे अमल ये जो सवाल जवाब मैं आपसे कर रहा हूँ वो सुनते रहिए। आज का भी मेरा एक बड़ा अहम सवाल है जो आप लोग जवाब जरूर देंगे कमेंट में, मुझे उम्मीद है। माशाल्लाह जो मैंने कल सवाल पूछा था, कुछ भाइयों ने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया है और कुछ भाइयों ने कहा कि आप ही बता दीजिए, जो अपनी कब्र अनवर में जिंदा लेट गए थे उन नबी का नाम है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो मैंने ये सवाल रखा था, आप लोगों ने जवाब भी दिया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका। एक सवाल बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, और वो जवाब मुझे कमेंट में उसका भी चाहिए। और वो सवाल ये है कि सबसे पहले सजदा किसने किया माशाल्लाह, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सबसे पहले सलमान भाई सजदा जिसने भी किया है उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे कि सबसे पहले सजदा किसने किया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, कुछ बातें ऐसी भी हैं इस्लाम से जुड़ी हुई, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जो वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, और वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं, बीबी के क्या हुकूक़ हैं, बहुत सारी बातें वो पता होनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे उनको भी उधर भी आएंगे, लेकिन अभी आप जो बताएं कमेंट में ये बताएं कि जो सबसे पहले सजदा किया है वो किसने किया है, ठीक है। तो चलिए मेरे जो शहाब भाई से रिलेटेड एक बात बताऊँ कि शहाब भाई जब निकलेंगे ना, कल एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया, वो हमारे बड़े करीबी हैं, और वो ये कह रहे थे कि मैंने फेसबुक पर देखा है कि सुबह को शहाब भाई का सफ़र शुरू हो जाएगा। हाँ, उन भाई का नाम है यूसुफ भाई, यूसुफ भाई ये कलियर शरीफ रहते हैं, साबिर पाक की नगरी में रहते हैं माशाल्लाह। और यूसुफ भाई की जो दुकान है, फूल की दुकान है और तवरुक की दुकान है इनकी माशाल्लाह, जहाँ पर कलियर शरीफ में पार्किंग है वहीं पर यूसुफ भाई की दुकान है। उनका फ़ोन आया, बोले मैंने फेसबुक पर देखा है कि सुबह को शहाब भाई का सफ़र शुरू हो जाएगा और वो निकल जाएंगे। मैं भी चौंक गया, मैं रात प्रोग्राम में था, मैंने रात लाइव चलाया था, बहुत सारे भाइयों ने लाइव देखा। असल में जो रात का हमारा वो प्रोग्राम था उसमें मैं नहीं आया लाइव में। मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरा एक साउंड सिस्टम का काम है बड़े अच्छे लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस साउंड सिस्टम को मैं ही एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने एक बंदा बुलवाया था जिसने कैमरे से लाइव चलाया था, उस पूरे प्रोग्राम को कवर किया था, आप लोग लाइव में जाके देख भी सकते हैं माशाल्लाह। मुफ्ती गुलफाम साहब आए थे रामपुरी, उसमें जो बड़ा रामपुर है यूपी में, तो वहाँ से आए थे माशाल्लाह। और भाइयों ने कमेंट करके ये भी कहा, सलमान भाई आप भी नात पढ़िए, आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं माजरा चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं आज शाम को लाइव चलाऊँगा इंशाल्लाह, या फिर कल चलाऊंगा, तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह भरपूर कलाम सुनाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, कि जैसे ही शहाब भाई का मामला है कि वो भाई बोले कि आज सुबह को, वो कल सुबह को शहाब भाई निकल जाएंगे, यूसुफ भाई बोले फेसबुक पे मैंने देखा है वो बोले, तो फिर मैं चौंक गया, फिर मैंने भी इसकी जानकारी निकाली, तो पता लगा ऐसा भी कुछ नहीं है कि सुबह को वो निकलेंगे। अभी तो सिर्फ इतना है कि माशाल्लाह कि शहाब भाई के लिए बस दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी निकलेंगे, जल्दी सफ़र शुरू होगा। तो आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, और जो मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे हैं यार, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करें। तो मेरे अजीज़ों, नबी का लब पर जो जिक्र है, बेमिसाल आया कमाल आया, आज का ये कलाम है, इसको पूरा सुनकर जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको रूहानी सुकून मिलेगा जब इस कलाम को सुनेंगे, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। मैं उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आपके दिल को सुकून मिलेगा। तो चलिए मेरे अजीजों, कलाम पूरा सुनते हैं, और ये कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें कि सबसे पहला सजदा किसने किया, ठीक है। और आपको नहीं मालूम हो तो फिर भी कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कलाम सुनते हैं। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया
کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سنے تیری دعا عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت کا تیرے لب پر جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر اور سنیں غرور امیہ کا توڑ ڈالا دکھا کے ایمان والا جذبہ غرور امیہ کا توڑ ڈالا دکھا کے ایمان والا جذبہ جو حبشیوں میں غلام تیرا جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو حبشیوں میں غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور سنیں نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسنوں جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں چمن میں کلیوں چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسنوں جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسنوں جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا
نبی کا لب پر